नमस्कार, मैं हूँ नीलम तिवारी। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। माजी आमदार उपेंद्र महात्रे के जन्मदिन पर शिवसेना अल्पसंख्यक द्वारा बाढ़ पीड़ित सैकड़ों जरूरतमंदों को वितरण किया गया राशन सामग्री। बता दें, माजी आमदार उपेंद्र महात्रे के जन्म संपर्क कार्यालय पर शिवसेना अल्पसंख्यक ठाणे जिला उपाध्यक्ष नईम अंसारी और भिवंडी शहर अध्यक्ष तुफेल फारूकी द्वारा सैकड़ों जरूरतमंदों को राशन सामग्री बांटकर रुपये दादा महात्रे का जन्मदिन मनाया गया। वहीं नई मंसारी व तुफे फारूकी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। हमारा जो आज बाढ़ पीड़ित से अपना लोग परेशान है, अपना जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ था अपना, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो हम उनके लिए अपना इनकी खुशी में अपना दादा के जन्मदिन के खुशी के मौके पर हमने बैनर न लगाते हुए हम लोगों ने क्या किया है कि अपना एक किट बनाया, यानी किट बनाने का अपना हमारा उद्देश्य था कि गरीबों को उनकी मदद पहुंच जाए और उनको ज़रा अपना कुछ भी खाने होने का इंतजाम हो जाए। तो हम लोग ने किट बनाया अपना, यानी अपना आटा है, दाल है, चावल है, तेल है, शक्कर है, चाय की पत्ती है, ये सब मिला करके गरीबों को हम लोग उनकी खुशी में वो मदद पहुँचाने का काम किया हमने गरीबों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे रुपेश दादा मात्रे साहब, जिनको हम लोग सुशैनिक कार सम्राट के नाम से उनको हम ये लोग करते हैं, तो आज उनका वार्ड दिवस का ये मौका था। और जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है कि पूरे महाराष्ट्र में बारिश ने कोहराम मचा रखा है, इस आपदा से पूरा महाराष्ट्र के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और उस परेशानी का शिकार हमारे भिवंडी के लोग भी हुए। जिस तरीके से सलम एरिया में नदी के किनारे वगैरह जहाँ पर भी पानी भरा, बहुत लोग परेशान हुए और बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का नुकसान हुआ है। इसी लक्ष्य को हम लोग ध्यान में रखते हुए रुपेश दादा मात्रे साहब का जन्मदिन बड़ी सादगी के साथ हम मना रहे हैं। और इस उद्देश्य के साथ जिस तरीके से हमारे रुपेश दादा मात्रे साहब का हमेशा ये लक्ष्य रखता है कि गरीब गोर गरीब लोगों की मदद और उनकी सहायता करने का हमेशा उनकी मानसिकता रहती है, वो कभी भी फोटोबाजी या शोबाजी पर विश्वास नहीं रखते। हमारे रुपेश दादा मात्रे साहब हमेशा अपने काम पर विश्वास रखते हैं और उसी लक्ष्य को देखते हुए उन्होंने सभी अपने साथियों को आदेश दिया है कि आप लोगों ने बहुत ही सादगी के साथ जो महाराष्ट्र में आपदा और जो परेशानी हमारे पूरे महाराष्ट्र में आई हुई है, उस तरीके से आप लोग काम करो कि जहाँ जो गरीबों के हित के लिए हो और जिससे गोर गरीब का भला हो सके, उसी लक्ष्य के और उसी उद्देश्य से उनके मार्गदर्शन को लेते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया कि जो हमारे भिवंडी शहर के अंदर जहाँ जहाँ भी पानी भरा और जो लोग ज़्यादा परेशानी में आए, ऐसे लोगों की हम लोगों ने लिस्ट बनाई और इस तरीके से हमने सैकड़ों लोगों को बुलाकर आप लोगों ने देखा कि उन लोगों को हमने किट बांटा और हम गरीब और जो लोग परेशान हैं उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो मुमकिन हो सके उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, इसी लक्ष्य के साथ हम लोगों ने ये कार्य किया है। और मैं फिर एक बार रुपेश दादा मात्रे साहब को और उनकी मानसिकता जो गरीबों की हमदर्दी की है, उनकी सारी चीज़ों को हम लोग लक्ष्य में लेकर चल रहे हैं। और बहुत बहुत आज वार्ड दिवस की मैं शुभेच्छा देता हूँ आप लोगों के माध्यम से, वो हमेशा इसी तरह स्वस्थ रहें और इसी तरह लोगों का भला करते रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसी तरह हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।